डांस को पूरा रेसेस हो गया है, देख सकते हैं आप। पूरा पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे छूटेगा। डॉक्टर से भी हम लोगों ने दिखा लिया है ना, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं दिन के 12 और क्रियांश जो है नहा करके एकदम हो गया है तैयार, और अभी जो है क्रियांश को सुलाने की जा रही है तैयारी। जो क्रियांश पेन के लिए इतना लड़ाई किया है, मेरे से इतना लड़ाई किया है, उसको पेन नहीं दी, हम लिख रहे थे कुछ, लेकिन इसको चाहिए पेन। गुस्सा देख लो इस इंसान का, छोटे से बच्चे का गुस्सा देख लो। क्या बोल रहे थे माँ? अभी हम खाना पीना खा के अपना गया आराम करने के लिए। तो हम कहता है कि आज पर आज जो बच्चा का जन्मदिन जो है नजदीक आ रहा है, तो इसको हम इतला देने के लिए आए हैं कि जो भी काम है उसको समय पर कीजिए। हाँ। बाद में किसी तरह का कमी बेसी होगा। हाँ। तो फिर स्थिति हमसे बुरा कोई नहीं। हाँ, इसलिए आप पहले सारी तैयारी हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। उससे तो ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ समय पर हो जाएगा। जग के मालिक स्वयं भगवान जगदीश, उनकी तैयार होगी तो। लेकिन बहुत लेट कर रहे हैं सब। सारी तैयारी कर चुकी थी अपने पोता के छठी में। हाँ। लेकिन प्रभु की दया नहीं हुई तो हम नहीं कर पाए, इसलिए अभी भी हम उन्हीं पर आश्रित हैं कि स्वयं अगर जगदीश खड़े हो जाएंगे बाबा भोलेनाथ, निश्चित रूप से सारी तैयारी हो जाएगी। लेकिन मेरा बेटा जो है थोड़ा काम में टाल मटोल लापरवाही करता है, इसलिए वो समय समय पर इसको हमको याद दिलाना पड़ता है कि आप समय पर सारा काम कर लीजिए, नहीं तो सब कुछ बुक हो जाएगा, तो फिर एक का दो भी लगेगा और सही से हो भी नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा, वो सब काम हो जाएगा तो निश्चित हो जाएगा। बस ईश्वर के चरण रखिए सामने और आगे बढ़ते रहिए, समझे? ओए क्रियांश, कैमरा देख रहा है, कैमरा देख के साथ मेरा पोता इतना खुश हो जाता है। आज तक आपका पोता जो है जिस चीज से डरना चाहिए उस चीज से नहीं डरता है। डरता किससे? हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर, जैसे हेयर ड्रायर ऑन होता है जान प्राण लेके भागता है। ओए वो तो बचपना का डर है, सही काम करने वाला आदमी ने डर। बाकी उसे क्या करते हैं? बाकी इसको जो जानवर सब होता है उसे कोई डर नहीं है। कोई डर? कुत्ता ने गाय उसके नाक में जाके उंगली डालेगा, कान पकड़ के डर है ना, गाय से डर है ना, बिल्ली से डर है। क्या हुआ ये ऐसे क्या कर रहा भैया? उसको पकड़ना है ना, इसको लेना है। अभी चल रहा है इसमें क्रियांश की फोटो है, इसमें हम हैं और क्रियांश है, इसमें क्रियांश की दादी है, यहाँ पे क्रियांश है, यहाँ पे हम क्रियांश और क्रियांश के पापा है, इधर क्रियांश की नानी है, और इधर क्रियांश है, इधर मोटू पतलू है, सबका फोटो बच गया। बाबा नाना बच गया, क्योंकि उनके साथ फोटो नहीं मिला था, मिला लेते बेचारे। ओए क्रियांश, ओए होए होए। तो क्रियांश जो है गेट लगा रहा है, देख सकते हैं लगा दिया। ताकत नहीं है उससे बेसी लगा रहा। हाँ। अच्छा अब इसको करेगा ऊपर नीचे। तो बाबा जो है इसको लेकर के यहीं पर ज्यादातर खड़े रहते हैं, इसलिए सीख लिया है। हाँ। अब देखो देखो कितना है, देख तमाशा। अब इसको ताला चाहिए शायद। चलो पकड़ो। लगा इसको, लगा ले 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 ले। साफ लगाता है ना, बेचारे को ताकत है ही नहीं, ताकत नहीं है, लेकिन इसलिए वहां तक तो पहुंचा दिया, तो वही लगता है। हाँ। वहां तक तो पहुंचा दिया। ओए 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 ओए। तो क्रियांश को जो है हम ले लिए, देखिए कितना खुश है कैमरा देख करके। तो इसकी दादी से इसको ले लिए हैं, दादी को जो है अच्छा खासा ये थका दिया। तो अब जो है इसको ले लिए हैं, और अब जो है ये छटपटिया भी थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अचानक से जो शरीर इधर उधर फेंकने लगता है। दादी का एक बार जो है हाथ में मूँच आ गया था, तो है तो चलिए अब इसको लेकर के सीधा चलते हैं ऊपर। चलिए यस, चलो चलते हैं। इधर जिया जो है लिस्ट तैयार कर रही है कि किसको किसको बुलाना है, तो लिस्ट हो गया तैयार? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो जिया का जो है पेज भरते जा रहा है, लिस्ट खत्म नहीं हो रहा है। अभी स्टार्ट ही किया, अभी तो बहुत बनाना है। क्रियांश के बर्थडे में सभी को इनविटेशन है, ठीक है? तो सभी को बुला रहे हैं हम लोग। वाओ क्या चांद दिख रहा है आज। तो पतिदेव किचन में कुछ काम कर रहे हैं क्या? अभी पता है रिया क्यों कॉल की थी? बोली जाके चांद देखो छत पर। अच्छा। और आप जाके देखिए, पता चलेगा
हमको लगा क्या ही बात कर रही है, चांद देखने को कॉल कर रही है। लेकिन आप जब देखिएगा ना तो सच में बोलिएगा वाह क्या देखे। हाँ हम तो देखे, आप देखिए वहाँ जी उधर है चांद और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आज रमजान है पता चला हमें। हाँ। तो रमजान की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कल हम आए थे छत पे देखने के लिए आपको पता है ना, लेकिन हमको दिखा ही नहीं था। नीचे ठीक तारा दिख रहा है तो वही बहुत प्यारा लग रहा है बहुत। कहाँ जा रहे भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ भैया? अब पूरा साफ सफाई करके जाता है माँ, जितना सीढ़ी पे गंदा रहेगा उसको हटा हटा के तब चढ़ता है। बउआ पेंटो है बहुत बड़का सा। वही क्रियांश, ये दादा दादी के पास से जो है अभी ऊपर आ गया है, नीचे बहुत तबाही मचाया है। ओए क्रियांश की है तबीयत खराब, फिर भी जो है ये देख सकते हैं। ई ओए क्या चल रहा है? राधे राधे, जय 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 पापा पापा डिंग डिंग पापा कर बोल रहे थे दे दे सी के तो लीजिए दे दे को पूरा रेसेस हो गया है देख सकते हैं आप। पूरा पता नहीं समझ नहीं आ रहा है क्या करे कैसे छूटेगा, डॉक्टर से भी हम लोगों ने दिखा लिया है ना, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। सुधार हुआ था फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया। हाँ बहुत ज्यादा हो गया, आगे भी इधर हो गया है, बालों में इधर उधर हो गया है ये देख सकते हैं आप, पूरा बालों में भी हो गया ये। किसी को समझ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए क्या करे उपाय इसका। सभी लोग बोल रहे हैं नीम का पत्ता लगाने के लिए है ना, तो हम लोग जो है नीम का पत्ता लाए हुए हैं और कल से ट्राई करेंगे नीम के पत्ते का पानी से जो है इसको धोएंगे। हाँ। और नीम का पत्ता जो है उसको इसके ऊपर लगाएंगे, उसका जो लेप होता है। हाँ, देखते हैं कुछ फायदा हो। हम सब लगाएंगे तो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट रहता है। ऐसे डॉक्टर ने जो दिया था हम लोग सब कुछ ट्राई किए भी नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। और आप में से बहुत लोग पूछते रहते हैं कि क्रियांश का रूटीन क्या है, डेली रूटीन और इसका डाइट किया है, तो कल जो है एक वीडियो प्रॉपरली इसी के ऊपर लाएंगे कि क्रियांश का जो है डेली रूटीन क्या क्या है, उसमें सब कुछ शेयर करेंगे इसका क्या डाइट है और बाकी क्या रूटीन है। अभी पापा में प्यार आ रहा है बिल्कुल। और आप में से बहुत लोग यह भी पूछ रहे थे कि YouTube पर जो है वीडियो कैसे बनाए, वीडियो एडिट कैसे करें, पूरा आप डिटेल लीजिए, हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो ठीक है जी, हमारा जो भी एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल का वो सब कुछ आपको बताएंगे और उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। तो आगे का जो हमारा 2 ब्लॉग आने वाला है बहुत ही मजेदार आने वाला है और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन ढेर सारी मिलेगी। तो मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाने से पहले कहना चाहेंगे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल जी, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, इससे जो है हमारा मनोबल बढ़ता है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।